ऐसे पहनते हैं ग्लव्स, फट 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 करके, ठीक है। मुझे क्यों नहीं आता बेबी पहनना? इसमें पहनना आने वाली क्या बात है, कोर्स थोड़ी होता है 6 महीने का डिप्लोमा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और आप सभी को पता है कि हम सबको घरों से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो पेट्स हैं, जो भी डॉग लवर्स हैं, वो बाहर के स्ट्रे डॉग्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारे एरिया में भी ऐसे डॉग्स हैं जिनका ख्याल बहुत कम रखा जा रहा होगा, बट देयर इज वन गर्ल जिसका नाम मोना है, वो हमारे एरिया में बहुत डॉग्स को खाना वाना खिलाती है। और वो भी, उसका मुझे फोन आया था कि दीदी ऐसा हो रहा है कि मैं डॉग्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, एज इन खाना वाना उनका हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो शी वांटेड हेल्प और मैं पहले से ही चाहती थी कि कहीं ना कहीं मैं अगर मदद कर पाऊँ, बिकॉज जैसे मैं अपने डॉग्स को देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि स्ट्रे डॉग्स का क्या हो रहा होगा ना, माय हार्ट गोज आउट फॉर देम। हमारे पास खाने के लिए है, हमारे डॉग्स के पास भी खाने के लिए है, लेकिन जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनका क्या। तो कुछ भी हो, कैसी भी मुसीबत हो, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करते हुए थोड़ा सा खाना वाना हम स्ट्रे डॉग्स को भी खिला सकते हैं, और वही मैं आज करने के लिए जा रही हूँ। देखो, मुझे थोड़ा जुकाम है, कोरोना वायरस नहीं है, जुकाम है, ठीक है ना। तो अपना मुंह कवर करके और अविनाश के साथ मैं जाऊंगी, मोना भी शायद में मुझे रास्ते में मिलेगी। खाना वाना पकाना बहुत डिफिकल्ट है, खाना पका के फिर ले जाना। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम स्ट्रे डॉग्स को जितना भी दूध हो सकता है और बिस्किट हो सकते हैं वो हम लोग खिलाएंगे। हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, मैं अभी अविनाश का काम खत्म हो रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ थोड़ी सी अपनी कॉफी बनाने, एंड उसके बाद हम दोनों नीचे उतरेंगे पूरी तरह से सेफ्टी के साथ, ठीक है ना। पहले से मत बोलो हो ये था वो था, ऐसा क्यों किया, क्या करूं यार। सोचो ना, डॉग्स के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। सेफ्टी मेजर्स लेके चलूंगी, ठीक है। आओ छोनू, अले मेले बब्बू कहाँ है? छोनू नीचे ना, नीचे बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने खाना पीना नहीं खाया है। थोड़ा सा मम्मा जाके उनको खिला दे थोड़े से दूध बिस्किट, ठीक है। ओके कुकू, नीचे मम्मा सबको खाना खिला के अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है। और वो कहाँ है? चेरू, हाँ मिला बच्चा। तो जैसे ही मैं इनको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार, और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आप लोगों को भी ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोग भी स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, थोड़ा बिस्किट दूध वगैरह उनको दे सकते हैं, तो प्लीज डू इट यार। ये रियल ब्लेसिंग है ऊपर वाले की तरफ से। आप अगर किसी की मदद कर सकते हो, गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, तो प्लीज करो। अगर आप खाना वाना प्रोवाइड कर सकते हो उनको, मैं स्ट्रे डॉग्स के लिए करना चाहती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, नॉट बिकॉज सिर्फ डॉग्स के लिए क्यों, लेकिन मैं, हाँ मैं जितना कर पा रही हूँ अपनी तरफ से, मैं पास में रहते हुए ये करूंगी। आई एम गोइंग टू मेक माय कॉफी नाउ। ये निकाल लेती हूँ मैं इसके कैप्सूल्स। मैंने अपना सारा खाना वगैरह जितने भी ग्रोसरी थी पूरा स्टोर कर दिया, ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करके लगाया। अगर आप चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे बता देना कि आप देखना चाहते हो कि मैंने अपनी चीजें कैसे मैनेज करी हैं, कैसे ऑर्गेनाइज की हैं, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। क्या खुशबू आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अरे आ गए। तुम्हारे बेबी को जुकाम है आज है, तो हाँ। इतना मत चिपको ना बेबी, थोड़ा सा उधर सोशल डिस्टेंसिंग। बेबी मेरी बात सुनो, देखो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर दोनों को हो जाएगा, तो दूसरा संभालेगा कैसे ना। तो मैं अकेले को होने में नहीं दूंगी, प्यार है हमारा। मेरे को थोड़ी तुम्हारे में से कॉफी मिलेगी, 2 सिप। तुमने तो बोला था तुम्हें नहीं चाहिए, तुमने भी तो बोला था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, क्योंकि हाँ मैंने इसको बोला था मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं कहती मैं जिंदगी में कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़के से शादी नहीं करूंगी। तुमने बोला यू विल बी द लास्ट मैन आई वुड लाइक टू मैरी, नॉट इवन द लास्ट, ऐसा मैंने बोला था। आ जाओ बेबी, साथ बैठ कॉफी पीते हैं। और इतना अंधेरा सुनसान क्यों कर रखा है? मूड लाइट, आओ चलो। चुन्नू मेरा बिल्ली सबसे प्यारा है, मामा चुकू बाबू सबसे प्यारा है। चुन्नू मामा की तबीयत खराब हो रही है। ये मेरा झुगड़ू बाबू भी आया है, ठीक है। अच्छा मेरा चैरुटी भी आया है मामा के पास। ये देख लो, कल नहाई थी और आज देखो पैर गंदे कर लिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना। ये मेला छोटा चारू, मम्मा का छोटू बेबी, मम्मा का छोटा बेबी। मैं गुज्जू करूंगी मेरे बंदर को। तो ये अपने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए मैं ग्लव्स पहन रही हूँ। तो ये चांस की बात है कि घर पे पूरा डब्बा था मेरे पास। अरे फट गया। यही था वो डब्बा? नहीं, वो तो तुम्हारे नाखूनों की वजह से फट रहा है बेबी। तुम्हारा क्या मतलब? इसी में मैं भी, इसी में से मैं भी पहनूंगा। हाँ तो पहनो ना। तुम्हारा क्या मतलब? क्या हमारा अलग अलग है सब? अरे मेरी उंगली कैसी है अभी? मांझे निकालो। अरे एक तो सा निकला है, ये लो एक। ऐसे पहनते हैं ग्लव्स, फट 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 करके, ठीक है? मुझे क्यों नहीं आता बेबी पहनना? इसमें पहनना आने वाली क्या बात है, कोर्स थोड़ी होता है 6 महीने का डिप्लोमा। ऐसे हाथ डालना है और पहन लेना है, बस हो गया। चलो, संभावना ने सब कुछ आपको बताई दिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ अपनी सोसाइटी की जो बाउंड्री है उसके आसपास जो एरिया है वहीं जा रहे हैं। हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत रिस्की है। और मैंने अपने आप को सेफ भी कर लिया। बेबी ये तुम्हें दिख रहा है कुछ इसमें से? नहीं। बॉम्बे में एक चीज अच्छी कि लोग जो है स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते हैं, तो हर कोई अपने आसपास की सोसाइटी में ख्याल रख रहा होगा, क्योंकि मैंने वैसे भी देखा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आसपास का ख्याल जरूर रखें, साथ में अपना ख्याल रखते हुए। इसीलिए हम लोग पूरे पैक हैं। सैनिटाइजर रख लो बेबी, छोटा वाला ही रख लो। लाओ मैं जेब में रख लूँ। हेलो। तो ये मोना है जो पहले भी मेरे साथ एक कैट के वीडियो में, जब हम लोग कैट को रेस्क्यू कर रहे थे, बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं। हाँ, यहाँ मैंने बहुत सारे ना बिल्ली के बच्चे देखे थे एक दिन, और बेचारे खाना ढूंढ रहे थे। बच्चों बच्चों, बाबू बाबू बाबू, ये बिल्ला भी आया। इधर आ बेटा। कौन सी है प्रेग्नेंट? इधर आओ। अब ये प्रेग्नेंट बिल्ली को दे देते हैं। ये ले बिल्ली बेटा, ये ले बेटा। दोनों पी रहे हैं, वो खा रही है। यार आराम से पी रहे हैं मोना। ले बेटा, छोटा बच्चा, छोटा बेबी दूध पिएगा। इधर ना ये वाला बॉल छोड़ देते हैं क्योंकि पी रहे हैं अभी भी। बिल्ली आजा। हाँ बिल्ली थी, अंदर को चली गई है। आएगी 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 आई 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 बेबी, मैं भी देखो आएगी आई आई। बिल्ली बेटा दूध पी लो, हम जा रहे हैं। हाँ बेटा दूध चाहिए। ये वही है, उसकी आड़ में पहला वाला है तो नहीं पी रहा। आजा बेटा ले ले। हेलो इधर बेटा, इधर आजा, इधर आजा। बहुत सारे मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 मिल गए हैं। आजा बेटा, बेटा भागना नहीं है बेटा, आंटी खाना लाई है, तुम भाग रहे हो। इधर आओ बेटा। अरे ऊपर कितना बड़ा बिल्ला है। अरे ओ, अरे अरे मेरे सर पे खड़ा था बेबी वो। अरे कुत्ता भी डर गया उस बिल्ले से, और वो बहुत भूखा है। वो उसके आगे कर दो, थोड़ा सा डरा हुआ है। चलो इसको पीने दो, ये पी लेगा ना तो फिर बिल्ले को डाल देंगे। बिल्ले रुक जाओ बेटा, नहीं लड़ना नहीं है, आराम से, गुस्से वाली कोई बात नहीं। ये बहुत भूखी है यार, डर गई वो, बहुत भूखी थी बेबी। बेटा रुक जा, मैं दे रही हूँ, रुक जा। दूसरी प्लेट नहीं है क्या? नहीं, लाओ ना जरा, दूसरी प्लेट लाओ ना। एक प्लेट दे दो ना मुझे। चलो बेबी पहले बिल्ले को दे दो, बहुत भूखा है। अरे बहुत भूखा था बेबी, बहुत भूखा था। हाँ बेटा और चाहिए। ये 4थी बार ले रहा है हेल्पिंग। इधर के बहुत भूखे हैं। हाँ इधर वाले बहुत भूखे। इनको बिस्किट भी दे दो, ये बहुत ज्यादा भूखे हैं। ये रहे बिस्किट, वो प्लेटें भी अपने को काम आ जाएगी आगे। ले बेटा खाओ, खाओ बेटा, हम लोग ये चाय के साथ खाते हैं। खाओ। उधर जो खड़े हो भूखे क्या? वो बिस्किट है लेकिन खा नहीं रहा है, वो डरा हुआ है ना। वो भाग क्यों रहा है? वो थोड़ा शर्मा रहा है, वो कह रहे हैं आप जाओगे ना तो खाएगा आराम से बैठ के। वो शर्मा कर कुत्ता है। शुमाकर, शुमाकर नहीं शर्मा कर। अच्छा ये बहुत भूखा है, पता है यहाँ पे वो रहा। यार ये व्हाइट वाली तो बहुत भूखी है, पता है यार इसको कितनी भूख लगी है, 5वीं बार ले रही है। हाँ वो बिल्ला भी आ गया, बिल्ला भी बहुत भूखा है यार। अरे यार फिर छीन लिया उसने उसका। हाँ मैं आराम से चल बेटा, हो गया तेरा, हो गया तो बाकियों को भी खाना है ना, तो बिस्किट खा लो ना, हो गया दूध। अरे कितने आ गए बेटा? रुकेगा तो। अरे तो दूरी मेंटेन करते हुए मैं आपको बताती हूँ, ये है मोना। हमारा काम पूरा हो गया, हम लोग वापस जा रहे हैं घर पे। मोना बाय, थैंक यू सो मच मोना, ये हमेशा बहुत हेल्पफुल रहती है। संभावना जी को भी कॉल करती हूँ तो वो हमेशा आके मेरे साथ खड़ी रहती है। आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। और मैं बस लोगों से यही अपील चाहती हूँ कि ऐसे माहौल में के डॉग को प्लीज फीड करिए। मेनका गांधी जी ने भी बोला हुआ है कि आप फीडर हो, आप फीडिंग कर सकते हो। अपने आसपास, घर के आसपास अपने पेट्स को सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के आसपास के सारे डॉग्स और कैट्स को जो जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो पाया वो सब उनको दिया है खाने के लिए। बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे थे, कुछ तो बहुत ही भूखे थे, कुछ खा के बैठे थे, लोगों ने खिलाया हुआ डेफिनेटली। अब हम लोग जा रहे हैं घर, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। बिना किसी चीज़ को छुए सीधा शावर के लिए भागूंगी और उसके बाद मिलते हैं हम दोनों। तो दोस्तों हम लोग आने के बाद घर में दोनों नहा लिए हैं और चेरी अपने चोरी के टॉय के साथ बैठी हुई है और हम दोनों पी रहे हैं अपनी चाय। चीयर। सॉरी बेबी, सॉरी 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 सॉरी। ये था हमारा स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने का व्लॉग। तो अगर आप लोग के भी घर के आसपास कुछ स्ट्रीट डॉग्स हों, बिल्लियां हों, तो आप बिल्कुल आसपास, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सोसाइटी में नीचे उतर के उन्हें प्लीज दे दीजिए, क्योंकि उनको देने वाला तो कोई भी नहीं है। हमें हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, इनको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। प्लीज लेट्स ऑल डू दैट। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपको हमारे व्लॉग कैसा लगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और ये मेरा कैरू का चोरी का टॉय, चोर कुत्ता मेरा।